धनतेरस, दीपावली और काली पूजा को लेकर भागलपुर के बाजारों में खरीदारों की भारी भीड़ उमड़ रही है। एक ओर जहां शहर के अलग अलग इलाकों से लोग त्यौहार को लेकर खरीदारी करते दिखे, जबकि दूसरी ओर ग्रामीण क्षेत्र से भी धनतेरस और दीपावली के लिए लोग खरीदारी करने पहुंच रहे हैं। इस दौरान पूजन सामग्री, सजावट सामान, रंग बिरंगी झालर एवं लाइट के अलावा माता लक्ष्मी और भगवान गणेश की स्वदेशी और डिजाइनर मूर्तियां भी बाजारों की शोभा बढ़ा रही है। वहीं भागलपुर के मुख्य बाजार समेत अलग अलग चौक चौराहों और छोटे बाजारों में भी हर तरह के धातु की, हालांकि मुख्य बाजार में खरीदारी के लिए पूजा और त्योहारों को लेकर पुरुष, महिला, युवक युवती समेत बच्चों की भीड़ भी जो अगले दो दिनों तक और बढ़ेंगी, और इसको लेकर आभूषण और हर तरह के बर्तन समेत गाड़ियों एवं इलेक्ट्रॉनिक दुकानों और शोरूम में खासी भीड़ जुटेगी। भागलपुर जिले के शाकचक थाना क्षेत्र में एक फाइनेंस कंपनी ने ग्रामीण महिलाओं को अपने झांसे में लेकर ठगी का शिकार बना लिया। कंपनी के कर्मचारियों ने महिलाओं को लोन देने का प्रलोभन देकर उससे मोटी रकम जमा करा ली और फिर रफू चक्कर हो गए। घटना की जानकारी महिला को तब हुई जब वे लोन की राशि लेने के लिए कंपनी के कार्यालय पहुंची, जहां कार्यालय बंद था और कंपनी के कर्मचारी भी फरार थे। ठगी की शिकार हुई महिलाओं ने जब मकान मालिक से कंपनी और उसके कर्मी के बारे में पूछा तो मकान मालिक ने कहा कि उन्हें इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। जब कंपनी के कर्मचारियों को फ़ोन किया गया तो उनका फ़ोन बंद आ रहा था। इस बात से महिलाओं को समझ में आ गया कि उनके साथ ठगी हुई है। वे सभी आक्रोशित होकर कार्यालय के बाहर हंगामा करने लगी। महिलाओं ने मकान मालिक को आरोपी बनाकर अपने जमा की गई राशि वापस करने की मांग करते हुए हंगामा शुरू कर दिया। वहीं घटना की सूचना मिलते ही शाकचक थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मकान मालिक एवं उसके पुत्र को हिरासत में ले लिया। फिलहाल पुलिस दोनों से पूछताछ कर रही है। पुलिस ने बताया कि ठगी की शिकार महिलाओं से कंपनी के खिलाफ आवेदन मांगा गया है। आवेदन मिलने के बाद कंपनी के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कर कानूनन कार्रवाई की जाएगी। कितना पैसा बन लिया सबसे? 55,000 ले ला सबसे। लोन चलता है तो बोला कि हाँ, लोगी ने इतना बड़ा कागज दिया, कागज देने के बाद ने बोला कि लोन के भरना, तो बोला ठीक है सर हम भर सकते हैं, तो बोला कि सब एड्रेस पता बता दिया, एड्रेस पता बता के उसके बाद बोला क्या कि हम बोले कितना पैसा लगेगा सर, तो बोला कि 5,000 रुपया लगेगा। हम कहे क्या चीज का पैसा लगेगा, तो बोला क्या 3,000 रुपया खाता खोलौनी और 2,000 रुपया इंश्योरेंस करौनी। हम सब 13 ग्रुप में 55,000 रुपया लिया। कितना आदमी दिए आप लोग? 13 ग्रुप दिए हम सब। 13 ग्रुप में कितना आदमी था? कितना महिला? एक ग्रुप 5,000 करके दिए। ग्रुप बाज लिया है 13 ग्रुप आदमी भाई आदमी लिए। कौन लिया था पहचानते हैं उसको? अमित कुमार लिया है। अमित कुमार चंदन सर है या फिर ऑफिस है? भागलपुर के सुल्तानगंज प्रखंड के यात्री शेड धर्मशाला में राजद कार्यकर्ताओं ने बिहार के उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव का 34वां जन्मदिन केक काटकर और वृक्षारोपण कर धूमधाम से मनाया। कार्यक्रम की अध्यक्षता राजद प्रखंड अध्यक्ष कैलाश प्रसाद यादव ने की, जबकि मंच का संचालन राजद नगर अध्यक्ष आफरोज आलम ने किया। राजद जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर प्रसाद यादव ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के आइकन हैं। उन्होंने बिहार में कई महत्वपूर्ण काम किए हैं। उनके नेतृत्व में बिहार का विकास तेजी से हो रहा है। उन्होंने कहा कि आने वाले लोकसभा चुनाव में इंडिया महागठबंधन की सरकार बनेगी और तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनेंगे। वहीं आशा जायसवाल ने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव के नेतृत्व में बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्र में कई महत्वपूर्ण काम हुए हैं। उन्होंने कहा कि तेजस्वी यादव बिहार के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। इस मौके पर चंद्रशेखर प्रसाद यादव, जिला परिषद सदस्य आशा जायसवाल,
पूर्व सांसद प्रतिनिधि अरविंद कुमार, नट बिहारी मंडल सहित काफी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद थे। युवा हृदय सम्राट बिहार के उप मुख्यमंत्री परम आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी के जन्मदिन पर हम लोग सुल्तानगंज प्रखंड में यहाँ वृक्षारोपण कार्यक्रम कर रहे हैं और इस अवसर पर हम संदेश देते हैं बिहार को, बिहार के युवा शिक्षित बने और शिक्षित बनकर जो आज हमारे नेता ने लगातार रोजगार के अवसर दे रहे हैं बिहार में। आज नौकरी की बात होती है, हमारे नेता ने अभी आपने देखा कि एक ही दिन में, एक ही समय में 1,20,336 शिक्षकों को नियुक्ति पत्र बांटे। तो आज इस अवसर पर मैं यही संदेश दूंगा कि बिहार में जाति पाति सांप्रदायिकतावाद का अंत करो और सभी युवा जो हमारे नेता का भी संदेश है, शिक्षित बनो, संगठित हुओ, संघर्ष करके रोजगार पाओ और नौकरी करो, एक अच्छा बिहार बनाओ। यहाँ हमारे नेता ने उद्योग धंधा लगाने की बात करते हैं, यहाँ हमारे नेता ने गरीबों के बीच में शिक्षा बांटने का काम करते हैं, लेकिन हमारे विरोधी जात पात धर्म संप्रदाय बांटने का काम करते हैं, आपस में लड़ाने का काम करते हैं। भागलपुर में पटाखा विक्रेताओं ने लाइसेंस को लेकर एडीएम कार्यालय में गुरुवार को जमकर हंगामा किया। इस दौरान दुकानदारों ने कहा कि दीपावली 2 दिन बची है और अभी तक प्रशासन की ओर से पटाखा बेचने की इजाजत नहीं दी गई है, जबकि वे सभी करीब 15 दिनों से लाइसेंस के लिए एसडीएम कार्यालय के चक्कर लगा रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही है। पटाखा व्यवसायियों ने कहा कि अभी तक पटाखा का लाइसेंस नहीं मिलने की वजह से वे सभी परेशान हैं। व्यवसायियों ने अपनी समस्या बताते हुए कहा कि दीपावली में महज 2 दिन बचे हैं, लेकिन जिला प्रशासन ने पटाखा व्यवसायियों को अस्थायी लाइसेंस निर्गत नहीं किया है, जिससे उन लोगों की जो पूंजी है वह डूब रही है और अगर एक दिन पूर्व पटाखा बेचने की अनुमति मिलेगी तो उन लोगों का सारा माल फंस जाएगा, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान झेलना होगा। बता दें कि भागलपुर के काजोली चक में हुए बम धमाके के बाद प्रशासन आतिशबाजी को लेकर पूरी तरह से सख्त है, जबकि सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इस बार पटाखा बिक्री पर रोक रहेगी। वहीं जिला प्रशासन इस पर कुछ भी स्पष्ट कहने से बच रही है और यह देखना होगा कि इस बार जिला प्रशासन पटाखा बिक्री को लेकर क्या दिशा निर्देश जारी करती है। भागलपुर में पहली बार 24 चक्कर आना, गर्दन दर्द, कमर दर्द, लो बैक पेन, स्पॉन्डिलाइटिस, लकवा, पैरालिसिस, गठिया, साइटिका, पोलियो, घुटनों का दर्द, आर्थराइटिस, नसों का सूखना, फ्रोजन शोल्डर, लिगमेंट, कार्टिलेज, स्पोर्ट्स इंजरी, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी, हाथ पैर सुन्न लगना जैसी अन्य बीमारियों का इलाज करवाए। डॉक्टर प्रवीण कुमार झा, फिजियोथेरेपिस्ट, एडवांस न्यूरो डायग्नोस्टिक एंड फिजियोथेरेपी सेंटर, ग्रामीण बैंक के नीचे, हटिया रोड, तिलका मांझी, भागलपुर, बिहार। कॉल करें 9431446600। भागलपुर सुल्तानगंज के नामचीन साहित्यकार और अखिल भारतीय अंगिका साहित्य कला मंच के प्रदेश महासचिव सुधीर कुमार प्रोग्रामर को देश के चर्चित साहित्यिक संस्थान विक्रमशिला हिंदी विद्यापीठ ने अपने 52वें स्थापना दिवस पर विद्यावाचस्पति मानद उपाधि से सम्मानित किया। विद्यापीठ के कुलपति डॉक्टर संभाजी राजा राम बाविष्कर, पूर्व न्यायाधीश डॉक्टर चंद्रभान सुकुमार, कुलाधिपति डॉक्टर राघवेंद्र आर्य, डॉक्टर राम जन्म मिश्र, कुल सचिव डॉक्टर दीपांकर वियोगी और दिल्ली से पूर्व आकाशवाणी पदाधिकारी अरुण पासवान के द्वारा संयुक्त रूप से विद्यापीठ के संस्थापक कुलपति
और संरक्षक डॉक्टर तेज नारायण कुशवाहा की उपस्थिति में यह सम्मान सुधीर कुमार प्रोग्रामर को दिया गया। इस अवसर पर अजगैवीनाथ साहित्य मंच के संस्थापक सदस्य डॉक्टर श्याम सुंदर आर्य ने इस सम्मान को सुल्तानगंज के लिए गौरवमयी बताया। वहीं अध्यक्ष भावानंद सिंह ने प्रोग्रामर को अंग प्रहरी बताते हुए इस सम्मान को सुल्तानगंज का साहित्यिक समृद्धि का दस्तावेज बताया। वहीं संयोजक मनीष कुमार गुंज ने खुशी व्यक्त करते हुए सम्मान को साहित्यिक समाज का शीर्ष विम्ब बताया। कवयित्री उषा किरण साहा ने इस सम्मान को सुल्तानगंज के लिए गर्व की बात कही। युवा कवि रोशन भारती ने कहा कि यह सम्मान प्रोग्रामर के साहित्यिक अवदान को प्रतिबंधित करता है। सुधीर कुमार प्रोग्रामर अंगिका भाषा के प्रमुख साहित्यकारों में से एक हैं। उन्होंने कई महत्वपूर्ण साहित्यिक रचनाएं लिखी हैं जिनमें अंगिका कविताएं, कहानियां, उपन्यास, नाटक और निबंध शामिल हैं। उन्हें अंगिका भाषा और साहित्य के विकास में उनके योगदान के लिए कई पुरस्कार से पहले भी सम्मानित किया जा चुका है। बांका के अमरपुर रेफरल अस्पताल के समीप रिक्शा पलटने से दो महिला और चालक घायल हो गए, जबकि एक महिला की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार बनाहरा गांव निवासी रोशन खातून और बीवी फरीदा अमरपुर बाजार खरीदारी करने गए थे। खरीदारी के बाद दोनों महिला ई रिक्शा पर बैठकर अपने गाँव जा रही थी। इसी दौरान अस्पताल के समीप ट्रक से साइड लेने के दौरान ई रिक्शा नियंत्रित होकर पलट गई। घटना में दोनों महिलाओं के साथ ही वाहन चालक कटोरिया निवासी डब्लू पासवान भी घायल हो गए। स्थानीय लोगों की मदद से सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने रोशन खातून की हालत को गंभीर बताते हुए बेहतर उपचार के लिए उन्हें भागलपुर रेफर कर दिया। घटना के बाद अमरपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जाँच में जुट गई है।